बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 22 जनवरी 2023 के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओपोजिशन लीडर बचाने के लिए PDM की चाल। मुल्क में तेल की किल्लत का कोई इम्कान नहीं, इलेक्शन जीते तो मखलूत हुकूमत बनाऊंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। स्पीकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कौमी असम्बली के स्पीकर हैं राजा परवेज अशरफ। इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा, इस्तीफे कबूल करके कोई गैर ऐनी काम नहीं किया। जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम ब्राज़ीलियन फुटबॉलर गिरफ्तार, ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक जो वो UK के प्राइम मिनिस्टर हैं, कल इन्होंने ड्राइविंग के दरमियान सीट बेल्ट नहीं पहना था तो इस वजह से इसको जुर्माना किया गया। इमरान खान को तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाने पर गौर। 1000 साल बाद चांद आज ज़मीन के इंतहाई करीब आएगा। KPK के नामजद निगरान वज़ीर-ए-आला कौन हैं? KPK के नामजद निगरान वज़ीर-ए-आला KPK के नामजद वज़ीर आला जो केयर टेकर हैं वो हैं केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं आज़म खान। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफ द कंट्री। आज़म खान हैज़ बीन द चीफ सेक्रेटरी ऑफ खैबर पख्तून खान। तो ये थे आज़म खान हैं जो वज़ीर आला बने हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने हैं खैबर पख्तून खान के। इसके बाद है इमरान खान की मून वॉक सियासत, ये वजाहत मसूद ने लिखा है आर्टिकल। तहरीक इंसाफ 2018 में 5 वादे किए लेकिन एक भी पूरा ना किया। अमीर जमात इस्लामी है सराजुल हक। अफगानिस्तान से खरीदे जाने वाला कोयला डॉलर की किल्लत का मौजब। पाकिस्तान में क्योंकि कोयला नहीं है तो अफगानिस्तान से खरीदा है। और वहाब रियाज ने अहम संग मील अबूर कर लिया। यह है कौमी खबरें। अब बलोचिस्तान में शदीद सर्दी, पंजाब में धुंध। KPK के नामजद निगरान वज़ीर आला कौन है? इसके जो नामजद आज़म खान खैबर पख्तूनख्वा नामजद वज़ीर आला आज़म खान का शुमार मुल्क के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में होता है, सेक्रेटरी भी रह चुके हैं ये। तो ये आज़म खान हैं। IMF का वफद जनवरी के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो जुलाई 1947 में कायम हुआ था। हम अफगानिस्तान में सरहद पार ऑपरेशन में दिलचस्पी नहीं रखते, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो। मुल्क में मोटापे की शरह 88% से ज़्यादा हो गई। जो मोटापे की शरह है पाकिस्तान में वो 88% है। खुर्दनी अशिया की दरामदाद में इजाफा हुआ है। मेयर कराची के इंतखाब कब होगा? निसार खोड़ा ने बता दिया। इंटरटेनमेंट अक्षर इमरान हाशमी की ऐश्वर्या के साथ सेल्फी, ये इंटरटेनमेंट है। और एन पे हम देखते हैं इंटरनेशनल खेलों की खबरें हैं। ये खेलों की खबरें हैं जो 21 जनवरी 2023 की हैं उनके बारे में। जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम ब्राज़ीलियन फुटबॉलर गिरफ्तार। ये ब्राज़ीलियन कौन थे अब देखते हैं। ये डैनी अल्वेज, ब्राज़ीलियन फुटबॉलर डैनी अल्वेज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये थे डैनी अल्वेज, इनको सेक्सुअल हरासमेंट में गिरफ्तार किया गया है। डैनी ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर हैं डेनिस एल्विस। तो ये आपने याद रखा है इनको। और फिर
नीचे वाली खबर पढ़ते हैं। वहाँ अब्रयाद ने अहम संग मील अबूल कर लिए। ये जो आज के न्यूज़ पेपर में है, T20 क्रिकेट में अहम संग मील अबूल कर लिया, इसको देखते हैं इन्होंने क्या किया है। वहाब रियाज इज करंटली नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल स्क्वाड बट इज करंटली इन एक्शन फॉर खुलना टाइगर्स इन द बंगाल प्रीमियर लीग। ही टुक फोर विकेट्स फॉर खुलना टाइगर्स इन द मैच अगेंस्ट चिटाग्राम चैलेंजर्स टूडे। ही अचीव्ड अ बिग माइलस्टोन ड्यूरिंग थर्ड विकेट। वहाब रियाज टुक 401 विकेट्स इन द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट विद 4 विकेट्स। ही प्रोस्ट्रेटेड ऑन द फील्ड एज ही क्रॉस्ड दिस माइलस्टोन। वहाब रियाज ने 401 विकेट्स हासिल कर ली हैं, तो उन्होंने वहां पे सजदा किया है विकेट के ऊपर ही, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। और नजम जो PCB के चेयरमैन हैं वो है नजम सेठी। लॉस एंजलस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट शामिल नहीं। लॉस एंजलस ओलंपिक्स जो ओलंपिक्स होने ना 2028 में लॉस एंजलस में, उनमें क्रिकेट शामिल नहीं है। PASL 8 अब होने वाला है, उसका शेड्यूल का जानकार दिया गया है। ये थी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़। और PASL 8 अब होने वाला है, 7 हो चुके हैं। किसान ने मकई के खेत में मैसी का खाका बना दिया। ये देखे मैसी का खाका बना दिया है किसान ने। इराक ने ओमान को 3-2 से शिकस्त देकर गोल्फ कप जीत लिया। इराक ने जीता है ओमान से और 3-2 से। इराक ने किए 3 और ओमान ने 2 किए, तो गोल्फ कप, ये गोल्फ कप फुटबॉल से रिलेटेड होता है, तो ये इसने जीत लिया है इराक ने 3-2 से। अब हम नीचे बैन अलगवामी खबरें पढ़ते हैं। ये ऋषि सुनाक हैं, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर। सीट बेल्ट ना बांधने पर बरतानवी वजीर आजम को जुर्माना। मिस्री हुकूमत जो है ना, मिस्र में बहुत हालात मुश्किल हैं, तो उन्होंने शहरियों को मुर्गी के पंजे खाने का मशवरा दिया है। सऊदी अरब की खुश्क बंजर वादी में झील बन गई। ये वादी है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। ये देखें झील बन गई है वादी रोमा में, तेज बारिशों की वजह से पानी साफ है। सऊदी अरब की वादी और क्लियर वाटर लेक्स एंड पाउंड्स और फॉर्म ड्यू टू हैवी रेन इन सऊदी अरेबिया वादी रोमा में बनी है ये लेक्स। इसके बाद अब झील बन गई थी। इसके बाद नीचे है, लंदन पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर शहरियों ने 1000 से ज़्यादा प्लास्टिक के सेब रख लिए। सऊदी अदालती निज़ाम का बड़ा कारनामा। यूरोपीय पार्लियामेंट के सदर को अब तक कितने तहफ मिले। यूरोपियन पार्लियामेंट की सदर है रोबर्टा मेटसोला ने। यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, ये सवाल बहुत अहम है इसको आपने। यूरोपियन पार्लियामेंट की सदर जो है ना, प्रेसिडेंट वो है रोबर्टा मेटसोला। इसने 142 गिफ्ट हासिल किए हैं, इसको 142 गिफ्ट मिले हैं। ये आपने रखा है याद, रॉबर्ट मेटसोला। फिर ये है वो रॉबर्ट, यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रॉबर्टा मेटसोला हैज़ रिसीव्ड 142 गिफ्ट सिंस बिकमिंग प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट जब से बनी है 142 गिफ्ट हासिल किए हैं इसने। इसके बाद यहाँ थे हम, अर्दन का अमेरिका से नई F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए वादा। अर्दन ने F-16 खरीदने का वादा किया है। अर्दन खरीदेगा अमेरिका से नई F-16 तैयारें। मराकश और इसराइल के दरमियान अस्करी तामन बढ़ाने पर इतफाक। मराकश और इसराइल के दरमियान ताल्लुक बढ़ेंगे। ये देखें इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं।
एंड इसराइल, मोरक्को और इसराइल ने ये जो है ना, मोरक्को ने और इसराइल में तल्लुकात बेहतर होने लगे हैं। तो उन्होंने ये देखें, अब नीचे करते हैं, द मोरक्कन इसराइल डिफेंस कोऑपरेशन मॉनिटरिंग कमेटी हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन जनवरी 16 एंड 17 इन रबात द कैपिटल ऑफ मोरक्को। जो ये रबात है ना, वो मोरक्को का कैपिटल है। और अ स्टेटमेंट इशूड बाय द रॉयल मोरक्कन आर्म्ड फोर्सेस सेड दैट द मीटिंग टुक प्लेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डायरेक्टिव ऑफ द किंग मोहम्मद सिक्स। द आईजी जो मोरक्कन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल बलखेर बलखेर अल फरूक, ये जो है वो उसके मोरक्कन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जनरल बलखेर अल मारू फरूक, ये उससे मिले हैं इसराइल के पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स। इसराइल के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ड्रोर ड्रोर शालोम इससे मिले हैं। तो वहाँ उन्होंने ये ताल्लुक बेहतर बनाने पर गौर किया है। फिर यहाँ पर थे हम, मराकस और इसराइल के दरमियान इसके तावन बढ़ाने पर इतफाक, अमेरिका का यूक्रेन के मजीद फौजी इमदाद का ऐलान। यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया है तो अमेरिका ने कहा है कि हम इसकी यूक्रेन की मजीद मदद करेंगे। चीन के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के दाखिले की तादाद में इजाफा, चीन में फिर जो है कोरोना में ने जोर पकड़ लिया और इजाफा। आज का अखबार अब हम पढ़ेंगे, रूसी तेल मार्च के बाद माहे का मसौदा तैयार, यानी कि मार्च में रूस जो है वो पाकिस्तान को देगा। वजीर आजम केपी के नगरान वजीर आला कौन है? आजम खान, आजम खान बन चुके हैं केपीके के नगरान वजीर आला। और नगरान वजीर आला आजम खान बने हैं, आजम खान। 23 अशिया महंगी, 11 सस्ती। महंगाई की शरह पाकिस्तान में है 31.83, ये आपने याद रखना है, 31.83 के महंगाई की शरह है पाकिस्तान में 31.83। और इसके बाद हुकूमत के पास जिम्मेदारी हो तो अख्तियार भी इनके पास हो। बुलान रेलवे ट्रैक पर धमाका, कई बोगियाँ उतर गई, बुलान में हुआ है धमाका। हंसो यार रहो मैंने डेर तस्लीम करो, मेयर हाफे नईम होंगे। डेली डिग्री केस, उजम शुएब शेख की पेशी, वजीर आजम अपोजिशन लीडर बचाने के लिए पीडीएम की चाल, यानी कि उन्होंने इस्तीफे कबूल कर लिया ना 35, ताकि वो कौमी असम्बली बचाई जा सके। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के मार्कअप में इजाफा हो गया है, मुल्क में तेल की किल्लत का कोई इम्कान नहीं। ये थी आज का सारा न्यूज़पेपर जो हमने पढ़ा है और इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।